हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम इन योर मैथमेटिक्स क्लास। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा आपका जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में। देखो, जनरली अपने पास क्या होता है, मैं लास्ट यहां से स्टार्ट करके लास्ट तक चलते हैं, अपने को ये नहीं मालूम होता कि अपनी बुक के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो कितने कितने मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले मैं उनको ऑर्डर में राइट करूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। आपको ध्यान में रखना है मेरा ये चैप्टर, मेरा ये यूनिट कितने मार्क्स की है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा का सारा आइडिया आपको किससे लगेगा, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन से लगेगा कि नहीं। तो उसी ऑर्डर में मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करते हैं क्या टोटल मार्क्स आपका, आप जानते हो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का पेपर आपका, जिसमें 80+20 आपकी स्कूल की 80 का पेपर होगा ना आपका, तो टोटल तो 100 मार्क्स का है, 80+20 तो है अपने स्कूल के, और जिसमें आपकी क्या है सब कुछ है, आपका स्टडी मटेरियल कैसा है, आप कैसे हो, बिहेवियर कैसे है, आपके टोटल मार्किंग क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट में, हाफ ईयरली में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है उस बेस पे। अब बात करते हैं जो आपका राइटिंग स्केल है, वो राइटिंग स्केल कितने मार्क्स का है, वो टोटल मार्क्स का आपका 80 मार्क्स का, आपको फोकस करना है इस 80 वाले मार्क्स पे। इसके अंदर पार्ट्स बनाए उसने, फर्स्ट पार्ट बनाया उसने रिलेशन एंड फंक्शन का, सेकंड उसने बनाया अलजेब्रा का, थर्ड अपने पास कैलकुलेशन का, नेक्स्ट अपने पास फोर्थ नंबर पे वेक्टर एंड 3D का, नेक्स्ट अपने पास लीनियर प्रोग्रामिंग, एंड लास्ट सिक्स नंबर पे जो है वो है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो सर आप मेरे से ये बोलोगे कि सर ये कैसे कैसे है, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, जो रिलेशन एंड फंक्शन जो पार्ट है आपकी 80 मार्क्स में, वो टोटल कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। रिलेशन एंड फंक्शन आपके कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है, 7 मार्क्स के में एक आपका है एक्सरसाइज यूनिट नंबर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन, इस टाइप के चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। 2 अपने पास फंक्शन है, उनको कैसे अपने को क्या करना है, कंपोजिट करना है उस साइड, वो कितने नंबर के हैं, 3 मार्क्स का। नेक्स्ट अपने पास इनवर्स फंक्शन, इनवर्स जैसे आपने नेक्स्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे ना उसके अंदर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, वो सारे के सारे, ऐसे इसमें यहां बनेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इस टाइप के फॉर्मूले बनेंगे। उस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको अपन सोल्व करेंगे। ये इनवर्स फंक्शन है, ये कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो रिगार्डिंग कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, 3+4=7। सो हमने देखा रिलेशन एंड फंक्शन जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, 7 मार्क्स का आएगा, क्लियर। जिसके अंदर फर्स्ट जो यूनिट है कंपोजिट फंक्शन, वो आपके 3 मार्क्स का, नेक्स्ट अपने पास इनवर्स फंक्शन और वो है आपके 4 मार्क्स का। ओके स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से यूनिट है आपके, यूनिट नंबर 3 मैट्रिक्स, यूनिट नंबर 4 डिटरमिनेंट्स, नेक्स्ट अपने पास यूनिट नंबर 5 इनवर्स मैट्रिक्स। कितने चैप्टर इंक्लूड होंगे इसके अंदर, 3। यूनिट नंबर 3 दैट इज मैट्रिक्स, यूनिट नंबर 4 दैट इज डिटरमिनेंट, नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 और वो आपकी क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स। तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो कितने मार्क्स की होगी, उसमें 3 मार्क्स की, 10 में से कितने मार्क्स की होगी, वो 3 मार्क्स की। डिटरमिनेंट्स का जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का होगा, वो भी आपके कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का इस 10 में से। एंड लास्ट इनवर्स मैट्रिक्स दैट इज 4 मार्क्स। तो इस अकॉर्डिंग 3+3+4=10। तो आपका जो अलजेब्रा का जो पार्ट हो गया है वो कितने मार्क्स का हुआ, 10 मार्क्स का हुआ, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कैलकुलस, वो कैलकुलस है 3rd नंबर पे, ये कितने मार्क्स का है, 38 मार्क्स का है। मीन्स आपका फुल सिलेबस है वो है 80 मार्क्स का, 100% है ना, उसमें से 38 मार्क्स का, मीन्स समथिंग आप ये समझो 50% जो सिलेबस है वो किसमें कवर हो जाएगा, कैलकुलस में ऐड हो जाएगा। तो कैलकुलस ये एक ऐसा पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है आपकी सीनियर क्लास के अंदर, वो आपको ज्यादा फोकस करना है। वाई, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जो ये सिंगल जो पार्ट है ना कैलकुलस वाला, वो आपके फुल सिलेबस का ओवरऑल समथिंग 50% कवर कर लेता है वो। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे, आपका ये चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6, वो क्या है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस,
CSN, 6 and 7 यूनिट कौन सी होगी आपकी कंटिन्यूटी 6 और 7 यूनिट जो होगा वो होगा आपका डिफ्रेंसिएशन। 6 और 7 इन दोनों को मिला के कितने मार्क्स का बनता है, इस 38 में से 8 मार्क्स का बनता है। और आपको मैं बता दूं ये डिफरेंशिएशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाई, इसका रीजन क्या है, ये नीचे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे किससे सोल्व आउट होंगे, इस डिफरेंशिएशन से सोल्व आउट होंगे। क्लियर है ना? तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन 6 और 7 नंबर की यूनिट मिलकर अपने के कितने मार्क्स की पूछ जाएगी, 8 मार्क्स की आएगी। नेक्स्ट अपने पास यूनिट नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके अंदर अपन फॉर्मूले देखेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजमेंट है, रेडियस है, बहुत सारे इस टाइप की क्वेश्चन को अपन कितने मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स के। यूनिट नंबर 8 कितने मार्क्स की होगी, 6 मार्क्स की होगी इस 38 में से। एंड इंटीग्रेशन यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 9, 10, 9 है इंटीग्रेशन और 10 है आपका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितने टाइप होता है, 2 फाइनाइट होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इन दोनों को ऐड करके कितने मार्क्स का आएगा, वो 12 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट अपने पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 11 नंबर का और 12 नंबर का है, डिफरेंशियल इक्वेशन या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो 6 नंबर की 11 वाला और 12 वाला भी कितने मार्क्स का है, 6 नंबर का है। तो हमने क्या देखा, ये जो थर्ड पार्ट है कैलकुलेशन के अंदर, 6 यूनिट 7 यूनिट 8 यूनिट 9 यूनिट 10 यूनिट 11 यूनिट और 12 यूनिट, इन टोटलिंग इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया है, इन सब 6 से लेकर 12 तक, मीन 7 जो यूनिट है ये टोटली आपके कितने कवर कर लेगी, हाफ सिलेबस को कवर कर लेती है वो। इस पे अपने को ज्यादा फोकस करना है इस कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, और मैं आपको यही स्टार्ट करवाने वाला हूं अभी, तो आपको ज्यादा फोकस कहां करना है, इस कैलकुलेशन पे करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें भी आपका बेस है इस डिफरेंशिएशन पे। क्लियर है? इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, साइन कोस टेन कोस है, कोस है, बहुत सारे फॉर्मूले, वो सारे के सारे अपन क्या करेंगे यहाँ, इन सब के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने आया फोर्थ पार्ट, वेक्टर एंड 3D चैप्टर नंबर, वेक्टर तो आपका 13 और 14 जो है वो 3 डायमेंशन, 3D का मीन्स है 3 डायमेंशन। ये दोनों चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों के दोनों कितने कितने मार्क्स का आएंगे, 7 और 7 मार्क्स, टोटल कितने 2 यूनिट है इसके अंदर 14 मार्क्स की। इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले बेस्ड पे ये भी सारे की सारा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा, ये हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है 5th, लीनियर प्रोग्रामिंग, कौन सा पार्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग, और लीनियर प्रोग्रामिंग कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपके कितने मार्क्स का है, 4। लास्ट एंड फाइनल आपकी 6th पार्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपने सोल्व की है उसी टाइप की, ये आपके कितने है, 7 मार्क्स का है। तो ये आपका फुल सिलेबस क्या है, फुल सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया, 80 मार्क्स का है जिसके अंदर 6 पार्ट है। फर्स्ट अपना रिलेशन एंड फंक्शन, सेकेंड आपकी अलजेब्रा, नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन, थर्ड है वेक्टर एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी। ये आपका 80 मार्क्स का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इसी बेस पे इन्हीं के मार्क्स के ऊपर अपने को क्या करना है, इन एक्सरसाइज को सोल्व करना है, और मैं आपको आइडिया बताता रहूंगा इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टूड। यस, ओके, थैंक यू।